आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन लेकर आई हूँ। इससे पहले प्रियो कि हम आगे बढ़े, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है, मरियम जो यीशु की माता थी वह दाऊद के वंश से थी। एक दिन परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत कुवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब मरियम स्वर्गदूत की वाणी सुनकर घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तब मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रियो, मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली एक धर्मी स्त्री थी। क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? उसमें ऐसा क्या था जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वो यीशु मसीह की माता बनी? मरियम परमेश्वर से प्रेम रखने वाली तथा उसकी आज्ञा का पालन करने वाली स्त्री थी। जब वह अपनी जवानी की अवस्था में थी तो उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। उसने अपनी पवित्रता बनाए रखी। उसने विवाह से पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से उसे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। प्रियो, यहाँ मैं आज के जवानों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर है। वह हमारे जीवन में पवित्रता को चाहता है, लेकिन आजकल के जवान युवक और युवतियाँ उस पवित्रता को बनाए रखने में असमर्थ हैं, क्योंकि बहुत से जवान विवाह से पहले ही पल भर के शारीरिक सुख के लिए शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप का ज़माना भी आ गया है, जिसमें जवान विवाह के बिना ही एक साथ रहने लगते हैं। आज के जवानों को मरियम से सीखना चाहिए कि कैसे उसने अपनी जवानी की अवस्था में अपने आप को पवित्र बनाए रखा। कई जवान संयम ना रखने के कारण व्यभिचार के पाप में गिर जाते हैं और विवाह के पहले ही यौन संबंध बना लेते हैं, जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल गलत है। बाइबल हमें बताती है प्रियो, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 4 वचन में, कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंग रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा। हाँ प्रियो, हमें विवाह के पहले और विवाह के बाहर, मतलब शादीशुदा होने के बाद भी किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है प्रियो कि कहीं हम अपने जीवन में शारीरिक पाप के कारण अपने आप को अशुद्ध तो नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर के क्रोध को तो नहीं कमा रहे हैं। इसके साथ ही मरियम से जब यह कहा गया कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए उसने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रियो, व्यवस्था के अनुसार
अगर कोई स्त्री विवाह के बिना गर्भवती पाई जाती थी तो उसे व्यभिचारी समझा जाता और मूसा के नियम के अनुसार उसे पत्रवाह करके मार डालते थे। लेकिन मरियम ने यहाँ प्रभु की इच्छा के आगे अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। उसने नहीं सोचा कि यूसुफ, जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, वह क्या सोचेगा और क्या करेगा। वह बदनामी से नहीं डरी, पर प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रियो, प्रभु जानता था कि मरियम का दिल कैसा है, इसलिए उसने अपनी महान योजना को पूरा करने के लिए मरियम को ही चुना। और मरियम ने भी यह कहते हुए कि देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंप दिया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि कुछ महीने बाद अगस्तुस कैसर ने यह आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। इसलिए यूसुफ, जो मरियम का मंगेतर था, मरियम को लेकर गलील के नासरत से बैतलहम को गया। उस समय मरियम गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय निकट था। जब वह बैतलहम पहुंचे तो वहां सराय अर्थात विश्राम स्थान में उन्हें कोई जगह नहीं मिली जहां वह ठहर सके। काफ़ी मुश्किलों के बाद एक व्यक्ति ने मरियम और यूसुफ को अपनी गौशाला में जगह दी जहां पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तब मरियम ने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। प्रियो, हम कल्पना करें कि मरियम ने प्रभु यीशु के जन्म के समय कितनी परेशानियों का सामना किया। पहले तो उसे गर्भावस्था के समय नासरत से बैतलहम की यात्रा करनी पड़ी। प्रियो, आपको बता दूं कि नासरत से बैतलहम की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। उस समय पैदल या गधे के द्वारा ही यात्रा की जाती थी। इस दूरी को तय करने में लगभग 4 दिन का समय लगता था। गर्भ के समय ऐसी कठिन यात्रा करना किसी भी महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मरियम ने जो प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित थी, उसने हर मुश्किलों का सामना किया और प्रभु ने भी उसे सामर्थ्य और शक्ति प्रदान की। इसके साथ ही जब वह बैतलहम पहुंचे तो उनको किसी भी धर्मशाला में जगह नहीं मिली, जिस वजह से उन्हें गौशाला में पनाह लेना पड़ा जहां पर यीशु पैदा हुए। तो प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं कि मरियम ने अपने जीवन में कैसे प्रभु की इच्छा को पूरा किया। क्या हम भी प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम मरियम के जैसे मुश्किलों का सामना करते हुए प्रभु की योजना को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं? इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि मरियम का जिक्र उस समय आता है जब फसह के पर्व के समय यूसुफ, मरियम और प्रभु यीशु, जो कि 12 वर्ष के हो चुके थे, यरूशलेम को जाते हैं। जब वह फसह का पर्व मना चुके तो वे लोग अपने घर लौटने लगे, लेकिन बालक यीशु वहीं यरूशलेम में रह गए। लेकिन मरियम और यूसुफ को यह मालूम ही नहीं था कि बालक यीशु यरूशलेम में ही है। जब वे लोग एक दिन की यात्रा पूरी कर लिए तो शाम के समय वे प्रभु यीशु को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वे फिर यरूशलेम को लौट गए। और 3 दिन बाद बालक यीशु को मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। यहाँ पर एक बात ध्यान दे प्रियो कि अक्सर कई बार माता पिता अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। और आजकल तो स्मार्टफोन ने बच्चों की जिंदगी को और बर्बाद कर दिया है। प्रियो, आज मैं इस वीडियो को देख रहे हर एक माता पिता से यह कहना चाहती हूँ कि अपने कामों से ज़्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दें कि कहीं वे संसार में भटक ना जाएं। जैसे मरियम को मालूम ही नहीं था कि बालक यीशु उनके साथ है ही नहीं और वे एक दिन की यात्रा भी पूरी कर लेते हैं, वैसे ही प्रियो, आज कई माता पिता को यह मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं।
मसीही विश्वासियों को परिवार में एक सही तालमेल बनाने की आवश्यकता है, ताकि जिससे आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार पर भी ध्यान दे सके कि आपके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, और उन्हें मसीही शिक्षा अर्थात वचन का ज्ञान सिखाना भी बहुत जरूरी है, ताकि उनकी बाल्यावस्था से वे मसीह यीशु में मजबूत हो सके। ध्यान रहे प्रियो, पैसा कमाना आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को सही शिक्षा देना और उन्हें प्रभु के भय में आगे बढ़ाना ही आपकी प्राथमिकता और जिम्मेदारी होना चाहिए, और यह काम माता पिता को मिलकर करना है। अगर आपका बेटा या बेटी भटक गए हैं और सांसारिक बातों में लिप्त हुए हैं, तो माता पिता को चाहिए कि उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि उनके जीवन को सही राह पर लाने के लिए प्रयास भी करें, और विश्वास रखें कि प्रभु आपके बेटे या बेटी के जीवन को जरूर बदलेगा। इसके बाद बाइबल में मरियम का जिक्र काना नगर के विवाह के समय और उस समय हुआ है जब यीशु मसीह ने अपनी सेविकाएं आरंभ की थी, और मरियम अपने अन्य बच्चों के साथ यीशु से मिलने आती है, जो आपको यहुन्ना के दूसरे अध्याय और लूका के 8 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो, जब प्रभु यीशु को पकड़ा जाता है और उस पर झूठे आरोप लगाकर क्रूस की सजा दी जाती है, उस समय हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं, जहां ऐसा बताया गया है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब यीशु की माता मरियम वहीं क्रूस के पास खड़ी थी। कितना इमोशनल मोमेंट होगा ना प्रियो, जब मरियम का वो बेटा जिसे मरियम ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा था, आज उसी की आंखों के सामने दर्द से तड़प रहा था। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उन्हें कितनी यातनाएं दी गई, वो सब प्रभु यीशु की माता मरियम ने देखा होगा। उस समय मरियम के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इस बात की सिर्फ कल्पना करके देखें। आज हमारे ही बच्चों को जरा सी चोट लग जाती है तो हम माताओं को कितनी तकलीफ होती है। तो उस समय जब यीशु मसीह को थप्पड़ मारे जा रहे थे, उनके मुंह पर थूका जा रहा था, उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे, क्रूस पर लिटाकर बड़े बड़े कीले उनके हाथों और पैरों में ठोके जा रहे थे, उस समय मरियम के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन उस समय भी उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। प्रियो, मरियम का जीवन हम सब के लिए बहुत आशीषित है। आज की जवान स्त्रियों को पवित्रता के संबंध में मरियम के जीवन को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जवानी की अवस्था में बहुत सी अभिलाषाएं आंखों के सामने आती है, और कई जवान स्त्रियां उन अभिलाषाओं में पड़कर पाप में गिर जाती हैं। लेकिन प्रियो, हम मरियम से सीखें कि उसने अपनी जवानी में किसी भी प्रकार के पाप को नहीं किया। उसने प्रभु परमेश्वर के भय में रहते हुए धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बिताया, इसलिए प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ और वह परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए माध्यम बनी। प्रियो, वैसे ही यदि आज आप भी प्रभु का भय मानते हुए पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताते हैं, तो प्रभु आपको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रियो, कुछ बातें हैं जो मरियम के जीवन से हमें सीखना चाहिए। पहली बात प्रियो, कि मरियम ने प्रभु की योजना के लिए हाँ कहा। वैसे ही जब प्रभु हमें किसी काम के लिए चुनता है, तो हमें बिना किसी संकोच के उसके लिए हाँ कहना है, ताकि प्रभु आपके द्वारा अपना कार्य पूरा कर सके। दूसरी बात प्रियो, जब काना नगर के विवाह में दाखरस की कमी हुई, तो मरियम मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गई। वैसे ही प्रियो, जब हमारे जीवन में कुछ कमी हो या हम किसी समस्या का सामना कर रहे हों, तो हमें किसी मनुष्य की ओर नहीं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही ओर ताकना चाहिए, क्योंकि वह भरपूरी का परमेश्वर है जो हर प्रकार से आपकी मदद कर सकता है।
तीसरी बात प्रियो, जब प्रभु के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, उस समय मरियम ही थी जिसने उसे उस क्रूस की राह में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उसके पकड़वाए जाने से उसके दफनाए जाने तक मरियम प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। प्रियो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार हैं, जो हर परिस्थिति में कठिनाई सहने के लिए और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो? आशा करती हूँ प्रियो, मरियम के जीवन पर किया गया यह अध्ययन आप लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि कैसे प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा आपसे बातें की। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।